हरियाणा के अंबाला जिले के CIA 2 ने करीब 5 करोड़ की हीरोइन बरामद की है। 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 महिलाएं हैं। तलाशी लेने पर आरोपियों के कब्जे से 1 किलो हीरोइन मिली। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी दिल्ली से हीरोइन खरीदकर अंबाला में सप्लाई कर रहे थे। हालांकि गहन पूछताछ के लिए CIA आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक CIA 2 की टीम शास्त्री कॉलोनी के निकट गश्त पर तैनात थी। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि डेहा कॉलोनी अंबाला सिटी निवासी अंजलि रेखा और अनवर उर्फ अभी हीरोइन सप्लाई करने का धंधा करते हैं। किराए के सिर्फ में दिल्ली से हीरोइन लेने गए हुए हैं। थोड़ी देर तक शाहबाद की तरफ से वापस डेहा कॉलोनी की तरफ जाएंगे। पुलिस ने शास्त्री कॉलोनी कट पर नाकाबंदी करके आरोपियों को काबू कर लिया। पुलिस द्वारा गाड़ी में बैठी अंजलि व रेखा के लेडीज पर्स की तलाशी लेने पर 300 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। आरोपी अनवर उर्फ अभी की तलाशी लेने पर जेब से 400 ग्राम हीरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ड्राइवर राजबीर उर्फ राजू व उसकी गाड़ी की तलाशी लेने पर कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ, लेकिन पूछताछ में शंभू रेलवे स्टेशन जिला पाठियाला निवासी ड्राइवर राजवीर ने बताया कि वह नशे के धंधे के संलिप्त लोगों को अच्छे दाम देकर गाड़ी उपलब्ध कराता है। ब्यूरो रिपोर्ट IPL।